वाटर क्रॉसिंग, वो भी ऐसी जगह। निकल जा। ओहो, बहुत ठंडा पानी है। वहां से आया था मैं सूखा। ओ माय गॉड, और यहाँ पे देखो पूरा गीला हो चुका है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आशीष वसावा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाइकर आशीष। तो निकल चुका हूँ नए सफर पे। कहाँ जा रहा हूँ देख ही लिया होगा, मेदा वाटरफॉल। और यहाँ से है 110 किलोमीटर सूरत से, सोनगढ़ के थोड़े 10 किलोमीटर आगे है। तो चलते हैं महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो देख रहे हो और लाइक भी कर देना। अभी बजे है 2:27 और मैं यहाँ से निकला हूँ सूरत से। ये रास्ते तो आपने देख ही लिए बहुत सारे वीडियो में, यहीं से निकलता हूँ और ज़्यादा ये रास्ते नहीं दिखाऊँगा। अभी थोड़ी देर पहले इतनी बारिश हो रही थी सूरत में, और अभी देखो आधे घंटे के बाद इतनी धूप, बहुत गर्मी है। तो बाइक में आपको इस बार चेंज देखने को मिल रहा होगा, और मैंने वाइजर चेंज कर दिया है और एक मॉडिफिकेशन करवाया है, सिग्नल लाइट भी चेंज कर दी है पीछे वाली, दिखाता हूँ मैं आपको बाद में आगे जाके। और ये मैंने वाइजर मंगवाया था लुविया इंडस्ट्री से, यहाँ पे फोटो खींचेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने बाइक में क्या क्या चेंजेस करवाए हैं अभी। तो आगे से दिखाता हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या चेंज करवाए हैं बाइक में। ये देखो, सबसे पहले तो ये वाइजर मैंने चेंज करवाया है। कैसी लग रही है बाइक? कड़क लग रही है ना, मस्त लग रही है भाई। और ये पीछे के इंडिकेटर चेंज करवाया मैंने, जबरदस्त लग रही है बाइक, फोटो खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो बहुत खींची है, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोग देख लेना, नहीं करते हो तो कर देना फॉलो, आशीष वसावा। केदारेश्वर महादेव, यहाँ से जाना है हमें, सीधे जाओगे तो केदारेश्वर महादेव मंदिर है। श्रावण महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। नागपुर यहाँ से 710 और व्यारा 32 किलोमीटर है, और मैंने क्रॉस कर लिया है बाडोली। तो ये आ गया बाजीपुरा का चेक पोस्ट, कोई है कि नहीं? ऐसा कैसा चेक पोस्ट भाई, किधर जा रहे हो? अरे भाई सिग्नल तो दे। ये वाला जो टर्न है ना, मेरे को बड़ा पसंद है। क्यों बताओ? आजू बाजू देखो, सिर्फ इधर देखो, इस साइड देख लो, हरियाली। आप गर्मी में भी आओगे ना तो भी यहाँ पे हरियाली रहती, बताओ। होटल, पेट्रोल पंप लायक, यहाँ पे पेट्रोल पंप बन रहे वापस। अभी ये रोड पे भी बहुत सारे पेट्रोल पंप हो गए, पहले इतने नहीं थे। बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, बहुत ज्यादा। सोनगढ़ यहाँ से 26 किलोमीटर, दूरी 167, और नागपुर है 688। यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक है, ये देखो इधर, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, आगे जाके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से। यहाँ पे एक फोटो खींच लेता हूँ फिर चलता हूँ आगे। कायरा, काया को यारा ने सूरत ने आपको मैदा दो जाऊँ व्लॉग बनावा आपको यूट्यूब जो वे
है इंस्टाग्राम पे भी है आशीष वसावा। तो ये टोल गेट आ गया है सोनगढ़ का और उसके आगे देखो सोनगढ़ का किला है। आप राइड कर रहे हो और सफर में चाय का मजा ना लिया हो तो सफर पूरा नहीं होता है। अभी मैं आगे रुकता हूँ टी स्टॉल पे, चाय पीता हूँ और चेंज भी हो जाएंगे 500 रुपये। ऐसे ही निकालना पड़ता है चेंज। तो यहाँ पे रुकता हूँ मैं, आगे कर लेता हूँ थोड़ा। एक चाय और पानी की बोतल दो ना। तो अभी मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, ये टी स्टॉल है, चाय पी रहा हूँ। चाय और पानी लिया है मैंने, उसके बाद निकलूँगा यहाँ से। और अभी यहाँ से मतलब 14-15 किलोमीटर बाकी है, सोनगढ़ का किला और सोनगढ़ फोर्ट। और यहाँ से हमें लेना है राइट आगे से, यहाँ से 23 किलोमीटर बाकी है अभी। मेधा रोड, मेधा वाटरफॉल, ये वही रास्ता है जो मैं गया था पंपा सरोवर, मैं, मेरी वाइफ और रियान। अरे अरे अरे, किधर किधर, ये तो बहुत डेंजर चला रहे हो बाबू। ऐसे रास्ते मिल जाते तो ऐसा लगता है बस बाइक चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। इतने प्यारे रोड है भाई, देखो। कहते हैं ना सुकून का रास्ता शुरू हो चुका है, यही है वो सुकून का रास्ता। ये जो रोड दिख रहा है ना, क्या कमाल लग रहा है। देखो आजू बाजू पेड़, बीच में रोड। ये मैंने पहले भी कहा था शायद जब आया था तब, पर क्या मस्त लग रहा है, आई लाइक इट। यहाँ से मेरा रोड दिखा रहा है 5 किलोमीटर 8 मिनट, मतलब यही आसपास ही है। अरे 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 अरे, आपने मेधा वॉटरफॉल, मेधा वॉटरफॉल, वॉटरफॉल से ना या मेधा करीने कई बाजू थी जवानो आ सीधो। ओके थैंक यू। तो भैया हमको जाना है यहाँ से अंदर, जाना है सीधा सीधा। गांव के अंदर से जाना है पूरे जंगलों में। क्या कमाल के रोड है, क्या कमाल के रोड है। ये कैमरा भी चालू करता हूँ। तो देखो मेरे पीछे, देखो पीछे हरियाली हरियाली दिख रही है ना आप लोगों को। क्या बात है यार, सुकून है सुकून।
रास्ता देख भैया, सही जा रहा है ना? जा तो सही रहा हूँ, पर कोई आ नहीं रहा है, लगता है सब चले गए। अरे बाप रे, आ गया भाई ऑफ रोडिंग खतरनाक। अंदर जाए के बाइक बाइक जाए अंदर सुधी? अच्छा अगाड़ी छे मुकवानो छे खाली एम मुकी देवानो? अच्छा કેટલે સુધી બાઇક જાય જાય? તો યે દેખો ભૈયા, વોટર ક્રોસિંગ, વો ભી એસી જગા, નિકલ જા નિકલ જા નિકલ જા। गया 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 गया, अरे मेरे शूज गए 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 गए। ऑफ रोड वाले टायर नहीं है ना, बाकी तो ऐसे निकाल ले, शूज में पानी चला गया है। वापस दूसरा एक, नहीं 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 नहीं, ये देखो दूसरा वाटर क्रॉसिंग। चलो चलो, अरे कोई है भी नहीं, कैसे जाऊंगा मैं, साला कुछ पता ही नहीं है। जंगल में फंस नहीं जाऊं मैं, डर लग रहा है थोड़ा सा, कोई है भी नहीं इधर। अरे बाप रे, क्या करूं, कोई दिख ही नहीं रहा है। शाम भी हो गई है और यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है। चल भाई टर्न मार ले निकल, नो रिस्क, कोई नहीं, फोटो वोटो खींच लेता हूँ इधर ही। तो एक जुगाड़ किया है मैंने, अकेला हूँ तो खुद ही फोटोग्राफी करनी पड़ेगी, वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी। देखो वहाँ पे मैंने आगे लगाया है ट्राइपॉड और यहाँ से चला के जाता हूँ अभी। ये क्या है, मधुमक्खी, ये देखो मधुमक्खी। अरे बाप रे बाप, हो ऐसा होता है भैया एडवेंचर करना। ये देखो ये सारा पानी वहीं से आ रहा है। तो मैं अभी रिटर्न जा रहा था, वहाँ पे तो जा नहीं पाया, तो छोटा सा ये देखो, हाँ नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, ये देखो। आवाज सुना आप?
तो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ऐसा लग रहा है एक कुर्सी लगा लूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ पे एक बार मुंह तो धो लेता हूँ। यहाँ पे ठंडा पानी है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। अब अच्छा लग रहा है। अभी निकलता हूँ यहाँ से, मुंह धो लिया है मैंने और शाम के बज गए 5:30 बज गए। फाइनली मैं रोड पे आ चुका हूँ। सोनगढ़ यहाँ से 20 किलोमीटर है। हाय 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 हाय, क्या मस्त हवा आ रही है, ठंडी ठंडी। मेगा दूध तो पहुंच नहीं पाया, लेकिन जहां तक पहुंचा सफर अच्छा था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलता हूं मैं अभी अपने घर सूरत। खतरनाक कड़क रही है बिजली। तो सचिन पहुंचा हूं मैं, लेकिन ये बिजली है जो खतरनाक कड़क रही है। मच्छर भी बहुत मार लिए मैंने आज तो। उधर बहुत ज्यादा कड़क रही है बिजली, ये देखो। अरे भाई जोरदार बारिश होगी, जोरदार। एक टाइम मेरा अटा है, टिन 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 टिन। केरी वहां से आया था मैं सूखा सूखा, ओ माय गॉड। और यहाँ पे देखो पूरा गीला हो चुका है, गीला हो चुका है। इतनी खतरनाक बिजली कड़क रही है। हवा भी तेज है, बिजली भी कड़क रही है। कहीं भी घुसा दो चलेगा। हाँ देखो तो सही। तो घर पहुंच गया हूं मैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।